कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। कहते हैं स्कूल में सब बराबर होते हैं। कहते हैं शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं है। कहते हैं स्कूल में छात्रों के बीच जाति, धर्म और अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, क्या सचमुच ऐसा ही होता है जैसा कहते हैं? इस मासूम से पूछोगे तो ये कहेगा नहीं, जो कहा जाता है हमेशा वैसा नहीं होता, और जो होता है वो जो कहा जाता है ठीक उससे उल्टा होता है। इल्म की रोशनी लेने के लिए ये मासूम धनबाद के इस मशहूर मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में आया था, लेकिन बच्चे के घर वालों का आरोप है कि उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया। सवाल यह कि आखिर बच्चे को स्कूल से बाहर क्यों किया गया? वजह आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस बच्चे के पिता की तरफ से की गई शिकायत का ये पत्र देखिए, इस लेटर की इस लाइन को देखिए। बच्चे के पिता का आरोप है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मदर हलीमा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने उनके बच्चे को पढ़ाने से इनकार कर दिया। उनके असिस्टेंट बोला, इनको मैं जानता हूँ बीजेपी में, तो आज मेरी पत्नी को हिना कुमारी को बोला गया कि आप बच्चे को स्कूल कल नहीं भेजिएगा, मैं आपका पिकअप वैन लेने जाएगा। मुखिया कारण क्या भैया? बोलिए हमको कोई दिक्कत, फीस है तो मैं भुगतान कर दूंगा। नहीं, आप भाजपा में है, भाजपा वाले के लिए यहाँ इस स्कूल में जगह नहीं है। कोई कारण नहीं है, कोई अच्छे है लोग अच्छे से क्लास बोले खाली हम बीजेपी में, आप बीजेपी वाले को नॉट अलाउड इस स्कूल में। ये ऊपर से आदेश है, अब किसका आदेश है ये हमको नहीं। ये बातें आपको किसने कहा? वो स्कूल प्रबंधन बोला। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये अपनी किस्म का अनोखा मामला है, जब एक बच्चे को स्कूल ने पढ़ाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका परिवार एक खास पार्टी से जुड़ा है। बच्चे को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब स्कूल के मैनेजमेंट का तर्क भी सुनिए। बिल्कुल गलत खबर है, अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ दो और हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हम लोग निकाल चुके होते, क्यों नहीं निकाले हम लोग? बिल्कुल गलत, ऐसा सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये स्कूल है और इसको कैटेगराइज करना जात के नाम पे जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारा स्कूल इस तरह का किसी भी बात को इनकार कर रहा है। प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चे के घर वालों ने स्कूल की फीस नहीं भरी है, लेकिन बच्चे के घर वाले जो सबूत दे रहे हैं उससे साफ है कि स्कूल मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। मासूम के घर वालों ने इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की है। अधिकारियों ने इस मामले में जांच के लिए टीम बना दी है। मेरे कार्यालय में तो नहीं आया है, डीओ कार्यालय में आया है, मैंने वह वहाँ से मंगवा के देखा है और जांच के लिए मैंने लिख दिया है डीओ ऑफिस में, जांच निकाल दें, पत्र निकालते हैं जांच करने का, जांच करा करके अगर गलती है स्कूल प्रशासन की तो कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पार्टी का सदस्य होना गुनाह है? क्या अब देश में राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भी भेदभाव होगा? क्या शिक्षा के मंदिर में अब विचारधारा के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।